हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौड़ फ्रॉम जयपुर वैशाली नगर। तो आज हमारे जो हम गाड़ी सिखाने वाले हैं आपको, वो है मारुति सुजुकी की ब्रीजा, जो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से है और इसमें भारत नंबर पासिंग है। तो आप देख लो कितनी चौड़ी है, कितनी लंबी है ये गाड़ी और क्या साइज है, क्योंकि हम कभी भी गाड़ी चलाते हैं तो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही चलती है वो गाड़ी। तो हमारे स्टूडेंट भी हमारे साथ में है तो उनसे आपको मिलवाते हैं। हेलो मैडम, तो आज आप अपनी गाड़ी चलाने वाले हैं, तो आपका गुड नेम? जूली भदौरिया। और आपको ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? आज मेरा 8th डे है। 8th डे है, ओके। तो अपन सारी चीजें आज स्टार्टिंग से करते हैं ताकि आपको वापस से रिवाइज हो जाए सारी चीजें। तो गाड़ी चलाने से पहले अपन को क्या करना होता है? सबसे पहले सीट एडजस्ट करनी है। सीट एडजस्ट करनी होती है, ओके, ठीक है। उसके बाद में हमें सीट बेल्ट पहनने लेना है, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद में हमें साइड व्यू मिरर से एडजस्ट कर लेना है। साइड व्यू मिरर ऑलरेडी आपने एडजस्ट कर रखे हैं, ओके। तो अपन नीचे से स्टार्ट करेंगे, जो नीचे पैडलिंग होती है पाँव में, एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच, वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए कि नीचे हमारे 3 पैडल्स होते हैं, राइट से स्टार्ट करेंगे अपन, है ना, एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच, है ना, बिल्कुल। राइट वाला पाँव आपका एक्सीलेटर और ब्रेक को ऑपरेट करेगा, है ना। लेफ्ट वाला आपका क्लच के लिए रिजर्व रहेगा परमानेंटली। तो लेफ्ट वाला पाँव ब्रेक के लिए नहीं ले जाना आपको, लेफ्ट वाला तो क्लच के लिए ही रहेगा, राइट वाला रेस और ब्रेक को ऑपरेट करेगा, ओके, ठीक है। दबा के देख लो एक बार इन सबको, ब्रेक भी दबा के देख लो और क्लच भी दबा के देख लो, परफेक्ट है पोजीशन, ओके। फिर अपन आते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। स्टीयरिंग व्हील कैसे होल्ड करेंगे अपन? एक तो 9-3 की पोजीशन में, बिल्कुल, एक 10-2 की पोजीशन, परफेक्ट। हाँ, ये रियर चांस, ये अपन रियर चांस में करेंगे, है ना, बाकी वो 10-2 और 9-3 बेस्ट है ना, ओके। अभी आप इंजन स्टार्ट करो, क्लच दबा के पाँव ब्रेक पे लेके हमेशा, ओके, ठीक है। अभी इंडिकेटर स्विच कौन सा होता है? इंडिकेटर वाला, ये अभी अपना कौन सा इंडिकेटर जल रहा है? अभी हमारा लेफ्ट, लेफ्ट का चल रहा है, तो ऑफ कर लो। राइट का कैसे जलाएंगे? इधर से नीचे की तरफ, है ना, ये राइट का ऑन हो गया, सेंटर में ऑफ करेंगे, सेंटर में ऑफ हो गया है ना। तो हेडलाइट्स कैसे ऑन होती है? हेडलाइट्स इस साइड, ये आपने डीपर दे रहे हैं, sorry. है ना, हेडलाइट्स इसको दो बार टर्न करेंगे, ओके, ये हेडलाइट्स ऑन होगी। अब इसको हाई बीम पे कैसे करेंगे अपन? हाई बीम पे ऐसे दिखा देंगे आगे की तरफ, ये हाई बीम पे होगी, एक ब्लू लाइट जल गई होगी ऑडोमीटर में, है ना, वो हाई बीम पे है, इस पे चालान होता है ना, ऑफ कर ली, ठीक है। अब डीपर देके दिखाओ वापस से, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ब्लू लाइट मीटर में भी आती है, ठीक है। वाइपर स्विच कौन सा होता है? ये वाला, इसको बिल्कुल ऐसे विथ वाटर चलाना है, दोबारा प्रेस करके बताओ, बिल्कुल, अगर हम इसको फेस की साइड प्रेस करेंगे तो ये विथ वाटर ऑन होएगा, ओके, तो बिल्कुल, ये एक बार मिस होके और रह जाएगा। रेगुलर कैसे ऑन करेंगे? इसको नीचे कर देंगे तो ये रेगुलर चलता रहेगा, लेकिन वापस से ऊपर कर दो, ऑफ कर दो, ओके, ठीक है। अभी अपन आते हैं गियर लीवर पे, उसको एक बार और ऑफ करो ऊपर, बस ये ऑफ हो गया, है ना। अभी गियर लीवर पे आते हैं अपन, अभी क्लच दबा के पाँव ब्रेक पे है, फर्स्ट गियर लगाओ, सेकेंड गियर लगाइए, थर्ड गियर लगाइए, फोर्थ गियर लगाइए, फिफ्थ लगाइए, है ना, ठीक है। रिवर्स गियर भी लगा के बताओ, परफेक्ट है ना। अब न्यूट्रल कर लो, चेक कैसे करेंगे न्यूट्रल? मूव करके, बिल्कुल परफेक्ट है। हैंड ब्रेक हटाते हैं अपन, बटन दबा के लगाते, विदाउट बटन है हमेशा, ठीक है। और ये जो स्विच होता है इसका मतलब जानते हो? हजार्ड लाइट, अगर आपने पार्किंग में छोड़ी है गाड़ी तो आप ये हजार्ड लाइट ऑन करेंगे, जिससे पीछे वाले को पता रहे कि आपकी गाड़ी पार्किंग। गुड गुड, रेस के लिए कभी भी अपनी गाड़ी बंद हो जाए, खराब हो जाए, तो हम इसको पार्किंग में भी जला सकते हैं, ओके। अभी गाड़ी चलाने के लिए दोस्तों सबसे मेन चीज है कि प्रीसेंस, पूर्व अनुमान बहुत जरूरी है कि हमारी गाड़ी कितनी देर में पहुंच रही है, अगली गाड़ी कितनी देर में, अगले की स्पीड, हमारी स्पीड एक कैलकुलेशन के आधार पे गाड़ी चलती है, जजमेंट के आधार पे, ओके। तो लोगों को गाड़ी चलानी तो आती है, लेकिन क्या होता है, ट्रैफिक सेंस की वजह से टकरा जाते हैं। तो हमेशा ट्रैफिक सेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, हमें फास्ट लेन में चलना है, स्लो लेन में चलना है, अगर आप नए हैं तो स्लो लेन में ड्राइव करना है,
और अगर आप पुराने हैं, तेज चल रहे हैं, तो फास्ट लेन में ड्राइव कर सकते हैं। लेफ्ट टर्न कैसे लेना है, राइट कैसे लेना है, लेफ्ट नज़दीक से लेना होता है हमेशा, राइट लंबा लेते हैं। ओके, तो अभी अपन स्टार्टिंग करते हैं। इंजन आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है और ये जो ऑडोमीटर में लाइट आ रही है, ये हैंड ब्रेक की होती है दोस्तों, आप देख लीजिए इसे अच्छे से। ये जो और ये होता है, ये आरपीएम मीटर होता है हमारा। इंजन स्टार्ट होने पे सुई 1 पे आ जाती है अराउंड। ओके ठीक है, लीजिए। इन्होंने क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगा दिया, ऑलरेडी स्टार्ट है अपने इंजन, है ना। और इन्होंने गाड़ी चलने से पहले राइट का इंडिकेटर दे दिया ताकि पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको पता रहे। इन्होंने हैंड ब्रेक भी डाउन कर दिया, वेरी गुड। हमेशा हैंड ब्रेक गियर लगाने के बाद में डाउन करना है, परफेक्ट है, सही है। और ये ब्लाइंड टर्न आ रहा है तो हमें हॉर्न देना है, पाँव ब्रेक पेडल पे लेना है, परफेक्ट है, वेरी गुड। अभी गियर चेंज होगा, बिल्कुल सही है। हम स्लो ड्राइव कर रहे हैं इसलिए हम लेफ्ट साइड ड्राइव कर रहे हैं, और अगर हम फास्ट होते तो हम राइट साइड में ड्राइव करते हैं। साइन बोर्ड हमेशा देखना है आपको, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का बोर्ड आ रहा है। तो पाँव इन्होंने ब्रेक पेडल पे ले लिया है, क्योंकि हर गली मोड़ तिराहे चौराहे पे हमें पाँव ब्रेक पे ले लेना, अभी रखो उसको पूरा क्रॉस कर जाएं खतरे को जब तक। बिल्कुल, अभी कोई भी नहीं है, इजी गोइंग है, तो आप जा सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी चलाने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, कि हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत पेशेंस रखना है, दुर्घटना से देर भली। तो अब बात आती है कि गियर कब कब लगाए जाते हैं। जैसे कि हमने रन अप, खड़ी गाड़ी हमेशा फर्स्ट गियर में चलेगी, थोड़ा चलने के बाद में सेकंड लग जाएगी, थोड़ा इन द सेंस अबाउट 10 चल जाए, वेरी गुड, सेकंड लगा लिया आपने, चौराया है, हॉर्न भी दो क्रॉस रोड पर, गाड़ी आ रही है, हाँ रोक लिया आपने, परफेक्ट है। अभी हमारी गाड़ी स्टॉप होगी तो हम कौन सा गियर लगाएंगे? ओके वेरी गुड, अभी फर्स्ट गियर में स्टार्ट है हमारा इंजन, तो हम कैसे क्लच को छोड़ेंगे? स्लोली स्लोली छोड़िए, परफेक्ट है, और दो हॉर्न, बिल्कुल जा सकते हैं। चौराहे का नियम है कि हमें पहले राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर अगेन राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, तो कोई भी हमारी नज़रों से ना बच ना पाएगा और एक्सीडेंट के चांसेस कम रहेंगे। उसमें कोई भी आ रहा होगा तो आप देख लेंगे, खड्डों को बीच में रखेंगे गाड़ी के सेंटर में। अब लोगों का सवाल होता है कि सर टायर की पोजीशन कहाँ पे होती है? टायर की पोजीशन होती है इन पिलर्स के नीचे, जैसे वो राइट वाला टायर है व्हील उस पिलर के नीचे है, लेफ्ट वाला व्हील है इस पिलर के नीचे है, तो हम ये खड्डे बीच में रख रहे हैं, क्योंकि खड्डे हैं गाड़ी की साइज से थोड़े स्मॉल साइज के। अभी साइन बोर्ड आ रहा है स्पीड ब्रेकर अहेड, तो आगे ब्रेकर भी है राइट साइड में व्यू मिरर में देख के, और आप साइड से दो टायर तो बचा ही सकते हैं एटलीस्ट, है ना। बिल्कुल, और पाव ब्रेक पे ले लो। ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक रुकती नहीं है, स्पीड स्लो नहीं करती, एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं इसीलिए। बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, हॉर्न पाव ब्रेक पेडल पे ले लो, परफेक्ट है। और दोस्तों फर्स्ट गियर में हमें क्लच को स्लोली स्लोली छोड़ना होता है, क्योंकि अपना बॉडी वेट उठाना होता है, गाड़ी को खुद का वजन भी उठाना होता है, साइड से निकाल लेंगे तो हमें क्लच को स्लोली स्लोली रिलीज करना होता है। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में हम क्लच को थोड़ा जल्दी छोड़ सकते हैं, फास्ट छोड़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में हमें स्लोली रिलीज करना है। और अगर गाड़ी बंद हो जाती है तो हम गियर में ही स्टार्ट कर सकते हैं क्लच दबा के, उसमें ऐसे नहीं कि आप न्यूट्रल कर रहे हैं, उसी गियर में आप क्लच दबा के स्टार्ट कर लो, फिर आप चेक करो कि मेरी स्पीड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप गियर लगा के वापस से रीस्टार्ट कर सकते हो। पूरी रुक गई तो फर्स्ट लगा लो, और 10-20 है तो सेकंड लगा लो। ओके, राइट टर्न लेंगे, आपने इंडिकेटर पहले ही ले लिया, और सही है, मिरर में भी देख लो, और राइट लंबा लेते हैं हमेशा, सही है, वेरी गुड। और दोनों साइड चेक करेंगे हम, राइट लेफ्ट, हाँ बिल्कुल, पाम ब्रेक पे है, ऑलरेडी सेकंड है, आप फर्स्ट लगा रहे हैं, ओके वेरी गुड, सही है। लेफ्ट भी देख लेंगे अपन और राइट भी देख लेंगे, करो टर्न स्टीयरिंग व्हील को और रोटेट करो, यस बिल्कुल, और करो रोटेट, इतना ही, आप थोड़ा थोड़ा सीधा करो, इतना ही, अभी अभी पूरा गाड़ी का फेस सीधा हो जाए तो हम इसको परफेक्टली क्लच तो रिलीज कर सकते हैं अपन, और पीछे मिरर में देख के स्टीयरिंग सीधी कर लो, बिल्कुल। और इंडिकेटर अपने आप कट ऑफ मार गया है, गाड़ी मुड़ते ही हमें पीछे मिरर्स में देख लेना है कि क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है। तो दोस्तों गाड़ी चलाना बहुत ही आसान है और उसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है,
जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, 8 दिनों में इन्होंने खुद की गाड़ी पे परफेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट करके बताना कि और अगला नेक्स्ट वीडियो हम काय के बारे में बनाएं और आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई और किस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है, किस पे फोकस करना है। ओके फ्रेंड्स, बाय।